हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अपने घर पर सेफ होंगे। आज को जो वीडियो है आप सभी के कमेंट पर आई हुई है, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट आए हैं कि मैम मेरा प्रेगनेंसी के अंदर पेट कड़क रहता था, मुझे बॉय होगा या गर्ल होगी, मुझे प्राइवेट पार्ट के अंदर पेन रहता है तो मुझे क्या होगा, पेट के नीचे हिस्से में दर्द रहता है। तो आप जो सभी के कमेंट हैं वो मैं इस वीडियो में उनके रिप्लाई देने वाली हूँ, ताकि और महिलाओं को भी पता चल सके। तो बेसिकली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी है और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की बेल को ऑन ज़रूर कर लें। उससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आप मेरी वीडियो डेली देख सकेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि हमारी प्रेगनेंसी जो कंसीव हो तभी से हमारे अंदर हार्मोनल चेंज होने शुरू हो जाते हैं, जो भी मैं आपको बताती रहती हूँ। तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी बॉडी के अंदर पेन होने शुरू हो जाते हैं, चेंज आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पेट कड़क के बारे में। तो प्रेगनेंसी में पेट कड़क होता किस वजह से है और इसका बेबी बॉय और गर्ल से क्या कनेक्शन है? तो गाइज, क्या होता है प्रेगनेंसी के जो आपके शुरुआती महीने होते हैं 5 महीने तक, क्योंकि उस टाइम आपका पेट कड़क बहुत ज़्यादा कम होता है, बस कभी कभी हो जाता है, जैसे आपने कुछ ज़्यादा खा लिया इसी वजह से भी आपका पेट कड़क हो सकता है, या आपके पेट के अंदर गैस बन चुकी है उस वजह से कड़क हो सकता है। लेकिन प्रेगनेंसी के 8वें 9वें महीने में आपका पेट कड़क जरूर हो जाता है। वो किस वजह से होता है, आपके जो आर्टिफिशियल पेन होते हैं वो आते हैं और उसकी वजह से क्या होता है आपका पेट कड़क हो जाता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है। ये पेट कड़क होता क्यों है? ये पेट कड़क इसीलिए होता है, आपका जो बच्चा होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपने आप के आपकी बॉडी को तैयार करता है, इसी वजह से आपको आर्टिफिशियल पेन आते हैं, जो थोड़ी देर के लिए आते हैं और झटाक से फिर चले जाते हैं, जैसे कि आप पोजीशन चेंज करते हैं वो चले जाते हैं। लेकिन अगर आपको लेबर पेन आ चुके हैं तो वो बंद नहीं होंगे, फिर आप लेटिए बैठिए खड़े होइए कुछ भी कीजिए वो बंद नहीं होंगे। आर्टिफिशियल पेन कैसे होते हैं, आप जैसे पोजीशन चेंज कर लेते झटके से ख़त्म हो जाते हैं। कई बार क्या था, हमारी गलतियों की वजह से भी हो जाते हैं, लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं जैसे एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, इन गलतियों की वजह से भी क्या हो जाता, हमारा पेट कई बार कड़क हो जाता है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं बेबी बॉय और बेबी गर्ल से क्या कनेक्शन है। तो ऐसा माना जाता है आपका पेट कड़क ज़्यादा होता है तो आपका अपने बेबी बॉय को कंसीव किया। तो गाइस, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भी कनेक्शन होता है, लेकिन अगर आप मैं अपना एक्सपीरियंस याद करूँ तो आपके साथ शेयर करूँ, तो फिर मेरा पेट था जो कड़क हुआ था, लेकिन कई महिलाओं का नहीं होता जिन्होंने बेबी बॉय को भी कंसीव किया है। लेकिन अगर अकेले मेरा ही पेट कड़क हुआ तो इससे तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन अगर लगाना चाहे तो वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि मैं अंदाज़ा आपको वही बताती हूँ जो 5-6 महिलाओं के अंदर सेम सिम्टम्स देखे जाते हैं, वही आपके साथ शेयर करती हूँ, जिससे क्या होता है आपको भी थोड़ा सा ये हो जाता है कि सच हो सकते हैं 70-80% तक। अगर अकेले मेरे अंदर ये सिम्टम्स नज़र आता है तो हो सकता है कि ये सच ना भी हो। सेकंड क्या था कि आपका जो प्राइवेट पार्ट था उसके अंदर आपको पेन बहुत ज़्यादा रहने लगता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के शुरुआती महीने में अगर आपको बहुत ज़्यादा प्राइवेट पार्ट के अंदर पेन रहता है तो फिर ये खतरे की तरफ इशारा करता है, इससे क्या होता है आपका मिसकैरेज तक भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए अगर लगातार आपको प्राइवेट पार्ट के अंदर पेन होता है। इसका जब आपका आगे 6ठा महीना शुरू हो जाए, 7वां महीना शुरू हो जाए, इसके अंदर क्या होता है आपका प्राइवेट पार्ट के अंदर बच्चा बड़ा हो जाता है, प्राइवेट पार्ट के ऊपर दबाव होना शुरू हो जाता है, इसकी वजह से आपको प्राइवेट पार्ट के अंदर पेन हो सकता है। थर्ड कारण होता है कि आप लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं एक ही जगह पर, उससे भी आपका प्राइवेट पार्ट के अंदर पेन हो सकता है, या आपको इन्फेक्शन हो चुका है, जैसे आप यूरिन पास करते दर्द होता है, जलन होता है, खुजली होती है, तो इसकी वजह से भी आपको प्राइवेट पार्ट के अंदर पेन हो सकता है। कई बार क्या होता है प्राइवेट पार्ट के अंदर ड्राइनेस आ जाती है हार्मोनल चेंज की वजह से, और साथ ही अगर आप अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाती हैं तो और भी प्राइवेट पार्ट के अंदर पेन हो सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप अपने पार्टनर के साथ संबंध ना बनाएं। और तीसरा कमेंट था कि मैम मुझे पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है, प्राइवेट पार्ट के अंदर नहीं पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है। तो गाइस, ये भी बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन अगर आपको लगातार दर्द हो रहा बिल्कुल भी नहीं बंद होता तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी पेट के निचले हिस्से में दर्द होना बिल्कुल नॉर्मल चीज़ होती है। अगर नॉर्मल बल्कि हल्का हल्का दर्द होता तो नॉर्मल, लेकिन अगर ज़्यादा ही दर्द होता नहीं सहन होता फिर प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है, फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्योंकि क्या होता है बच्चा के वजह से, बच्चा दबाव डालता है, मांसपेशियों में खिंचाव होता है, इसी वजह से आपको ये पेन होना
शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपको इसका लड़का और लड़की से कनेक्ट करते हैं तो गाइज हर महिला को पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि बच्चा तो दबाव डालेगा ही, वो लड़का हो या लड़की हो। तो इससे मुझे नहीं लगता कि पेट के निचले हिस्से में अगर आपको पेन होता है तो इसका लड़का और लड़की से कोई भी कनेक्शन होता है। क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपके साथ वही सिम्टम्स शेयर करती हूँ जिसका मुझे कुछ हद तक लगता है कि ये सच हो सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा कन्फर्म हो जाए। लेकिन अगर अकेली एक महिला के अंदर ये सिम्टम्स होता है तो उसे फिर आप थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, फिर ये बिल्कुल गलत साबित हो जाते हैं। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, और पास जो नोटिफिकेशन की बेल है उसे भी दबा लें। उससे क्या होगा, मैं तब भी कोई न्यू वीडियो डालूँगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी और आप मेरी वीडियो डेली देख सकेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।